की टैगलाइन है कि कोई मंजिल दूर नहीं, और सच कहूं तो इस बस के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं होने वाली। ऐसा क्यों, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये हाइड्रोजन पे चलने वाली बस है। तो हाइड्रोजन पे चलने का बेनिफिट क्या होने वाला है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बहुत ज्यादा जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो ये बस एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद इसमें हमें 3 हाइड्रोजन टैंक मिलते हैं 350 लीटर के। उसके बाद अगर मैं आपको बस का इंटीरियर दिखाऊं तो आ जाओ। सबसे पहले तो काफी बड़ी बस है विदाउट एनी डाउट। इसमें 33 लोग काफी आसानी से बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट है। तो सबसे पहले आइए बस के पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर हमें LED लाइट्स वगैरह दी गई हैं, जिसकी वजह से रात में भी अगर आपका सामान कुछ ऊपर रखा हुआ है आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट की कुशनिंग जो है वो काफी अच्छी हो रखी है। इसमें अगर मैं बैठ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो अच्छा मिला हुआ है, और हेड रूम भी अच्छा है। बाकी जो सीट्स है उनको आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग पीछे भी कर सकते हैं। तो अगर लंबा सफर भी आप इस बस में तय कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। उसके बाद ये जो बस है वो बहुत ज्यादा सेफ है। उसका रीजन ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक CCTV कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है और एक CCTV कैमरा वहाँ पे ड्राइवर के ऊपर लगा हुआ है। तो आप बेफिक्र होकर के सोइए, क्योंकि आपका जितना भी सामान वगैरह है वो सब बस ड्राइवर की निगरानी में है। उसके बाद एक और चीज जो मुझे इस बस में बहुत अच्छी लगी वो ये है, मोस्टली जो बसेस में देखा जाता है वो जो हैमर्स होते हैं जिनसे आप शीशा तोड़ सकते हैं वो महज एक ही दिए होते हैं, लेकिन आप इस बस में देख सकते हैं कि करीब करीब हर दूसरी सीट पे वो एक हैमर हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो काफी सारे लोग इजिली ये जो शीशे वगैरह है उनको ब्रेक करके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हमें एक इमरजेंसी एग्जिट भी मिल जाती है। यहाँ पे मोस्टली हर सीट के साइड में पंखा लगा हुआ है, इधर हमें रीडिंग लाइट्स वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पे हमें AC के वेंट्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये बस होने वाली है। उसके बाद अब अगर मैं इसके अदर स्पेसिफिकेशंस वगैरह की आपके सामने बात करूं तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन पे चलने वाली बस है, और 350 लीटर के 3 हाइड्रोजन टैंक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें 160 HP की पावर मिलती है और 409 Nm का टॉर्क मिलता है। इस बस का जो GVW यानी ग्रोथ व्हीकल वेट है वो 11,590 किलोग्राम है। तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि अशोक लीलैंड की तरफ से आने वाली ये एक बहुत शानदार हाइड्रोजन बस है, जो पर्यावरण को तो बचाती ही है, साथ में इसमें बहुत जबरदस्त पावर है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये बस होने वाली है। तो कैसी लगी आपको अशोक लीलैंड की ये बस, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब करें।